चोरी पौरी बी मनसा पूरन सरना जो जो कर पाया सोई हो हरन भरन जाका नेत्र पोर तिसका मंत्र न जाने हो अंध रूप मंगल सद जाके सर्वथोक सुनिए घर ताके राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर ग्रस्त में भोगी ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया प्रभु सब मंशाऊं पूरियूं करण वारो आहे एक प्रभु जी शरण वठण वाजिब आहे प्रभु शरण पवण जो हर तरह योग्य आहे जेको प्रभु जी शरण वठे थो तेंजी हु हर तरह रिख्या करे थो जेकी भी कर्मन करे हथ में लिखियो आए सो जरूर थियणो आहे प्रभु एक अखिछिंब में खसे थो भरे थो नास करे थो ऐं अडे थो संदस मंत्र शक्ति जा जग के हलाए रही आहे ॿियो केर न ॼाणे एक प्रभु पाण पछाणे प्रभु आनंद रूप आहे उन स्वरूप में सदैव खुशी आहे संदस घर में ही सब पदार्थ मौजूद आहे इएं संतन ऐं ऋषियुनि खां ॿुधण में आयो आहे प्रभु राज अंदर राजा आहे ऐं जोग में जोगी आहे ऐं तपस्या में तपीसर आहे ऐं ग्रस्त अंदर सचो आदर्शी ग्रस्ती आहे प्रभुअ जा प्यारा परमेश्वर के ध्याय ध्याय था सुख पाई अरे प्रभु जो की न कीब था अंत पाई ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया मन पर बोध श्लोक 15-18 ताई विसर में छो वेठो आई काल अचे प्यो तकरो नूरी गोबिंद गाए मना संत जना का पैरा पकरो निंद नशे में रोज गुजारी की न बजी भगवान नूरी गोबिंद गाए मना किय सजाग वठ ऐसा धन संपद पुट नारी सब फानी कर तू जा दूरी गोबिंद गाए मना सब दो दिन के मिजमान जग सारो अथे झूठो सुख दुख सपने समा गोबिंद गाए मना कप अंदर माब मार दूरी गोबिंद गाए मना कप अंदर माब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 वैर भाव खांचो रहे थो परे आई सबने जो मित्र
अभिमान ममता बिना किम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी आई सुख में आई दुख में आहे जो समान यतन में रतन जो रहे तो पके निश्चिवारो मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो जिजे की न कहीं खा न कहीं खेत जा रे चिंता खुशी अखान यारो हसद ना है जाएंगे न कि क्रोध को सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो चिंता बिना जो करे तो सुधारो फल की इच्छा सब पिछी जो करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो चिंता रहित जो न उमेदू अरे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो शत्रु मित्र ईमान अपमान छज कर में आई सुख दुख सबन में समाभाव रखे छो रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी अरीत हले छो धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो सबर में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो सबर में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो ओम तत्सत ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो बारो अध्याय पूरो थियो नूरी ग्रंथ पेज 687 वतन किए विसारियां उम्र अता अबाण आवाज अचन प्या
नीह में तवर वर नेण ही नचन प्या वतन किए विसारिया सियारे जिसिय में मेजा मारू निहारिन पल पल मेजा प्राण बतिन खे पुकारिन वतन किए विसारिया वर्ण की न मुखे ही बंगला ही मारियूं न की रूह चाहे थो रेशम जो सारियूं वतन किए विसारिया न तुझू महफिलू न ही ही नजारा वर्ण की न गुलशन न की ही पहाड़ा वतन किए विसारिया न मेवा मिठायूं न सारंगियूं सितारा मलीर जे पटन जा मुखे पेरू प्यारा वतन किए विसारिया न की महल तुंहिंजा न मजलसूं मां चाहियां हिकु रात हितरे सॼो साल मां भायां वतन कीअं विसारियां अची मारू मलीर मां ज़ंजीरूं टोरींदा नूरी निमाणी नीह में से नींदा वतन कीअं विसारियां ओ How can I forget my native land? O brother Umar, I hear the call of my native land and my eyes dance with love for my native land. Oh, how can I forget my native land? In the cold of the winter, my kinsfolk seek me, and each moment my very life breaths remember them. Oh, how can I forget my native land? I like not these mansions and palaces, nor do I relish these silken raiments. Oh, how can I forget my native land? I like not your feasts and your royal pomp. I like not your gardens nor your mountains. Oh, how can I forget my native land? I like not your sweetmeats and fruits, nor your musical instruments, but I love the desert berries of my native Malir. Oh, how can I forget my native land? I care not for your palaces and your feasts. A single night here is verily like an unending year to me. Oh, how can I forget my native land? Oh, my kinsfolk will surely come from Malir to liberate me, and with love they will take me home, says Nuri. Oh, how can I forget my native land? जय दादा जय हो हो जय दादा जय हो बोलो जय दादा जय हो हो जय दादा जय हो चरण कमल में सिर निवाओ उठत बैठत आनंद
प्यारे सत्संग भेनरों ऐं भावरों, हिन पवित्र शास्त्र मां वचन मूंखे ई आयो। श्री सुखमनी साहब अष्टपदी अठी पौड़ी चौथी, पौड़ी चौथीअ मां हे थियो वचन, ब्रह्म ज्ञानी काय करीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी क्या करीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। यह सजी अष्टपदी अठी ब्रह्म ज्ञानी बनस्पता है। ब्रह्म ज्ञानी के तत्व ज्ञानी के सच्चदेव आनंद के राहे जैसे जीवन में सच आहे, सो के जैसे जिंदगी में सच पियो चिमके ना खरन में न मारे झांग में, पर जैसे जिंदगी में जैसे उन आखिया में जैसे दिल के अंदर सच पियो चिमके, सच पियो चिमके के रहा है। सो सभागो केर जो सच जी साक्षी दे गुरु चिन्ह बुझाई न था,
आरे समागे जो निशानी वास्ते ने आई हिक मुख्य निशानी हिन वचन में अचे थी ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा गरीबी समाहा समायल गरीबी में समायल आए सचो ब्रह्म ज्ञानी सो जो गरीबी में समायल आए गरीबी में रहे तो निवास करे तो गरीबी में ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा गरीबी चाहे सचे ब्रह्म ज्ञानी जी का निशानी गरीबी सा गरीबी चाहे वाह गरीबी वाह दरवेशन पुकारी वाह फकीरन पुकारी वाह बरी बरी वाह गरीबी वाह सा गरीबी चाहे जरा ही कदफे प्रभु से प्यारे श्री ईशा का किन शिष्यन साल पुछो गुरुदेव असि अमां के कहरे नाले सा कोछियो कहरे नाले सा अमां के कोछियो गुरुदेव बुझायो तदी श्री ईशा चवे तो प्यारा हिकु नालो मूंखे ॾाढो प्यारो अथ हुन नाले सां मूंखे यादि करियो हुन नाले सां मूंखे पुकारियो सो नालो आहे मिसकीन मिसकीन जॾहिं मूंखे कोचियो चओ ओ मिसकीन हेॾांश जॾहिं मूंखे पुकारियो मुंहिंजो वीचारु करियो तरी चओ वरी वरी मिसकीन 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 साईं भारत जो प्यारो सॼे भारत जो महबूब श्याम सुंदर हिन प्यारे खां बि अहिड़ो साल किन पुछियो संदसि किन प्यारनि साल पुछियो साईं तव्हांखे केतिरनि नालनि सां पिया कोठीन कहिड़ो नालो तव्हांखे परम प्यारो आहे कहिड़ो नालो कहिड़ो नालो तॾहिं श्याम सुंदर चवे थो प्यारा हिकु नालो मूंखे परम प्यारो अथव उहो नालो आहे मिसकीननि जो मित्र ग़रीबनि जो दोस्त हिन नाले सां मूंखे पुकारियो पुकारियो मिसकीननि जो मित्र मां ग़रीबनि जो दोस्त मां कहिड़ो न आथत असांखे आहे कहिड़ो न आथत त प्रभुअ जा प्यारा वरी वरी इन ॻाल्हि जी साखी ॾियनि था ग़रीबी 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 प्रभुअ जा प्यारा वरी वरी असांखे पुकारीनि पिया मिसकीनीअ में रहो मिसकीनीअ में रहो परम पदार्थ परमार्थ जे मार्ग में अथव मिसकीनी सा मिसकीनी छाहे ग़रीबी छाहे निवृत निमाना थियो निमाना मूं लिखाइनि खे जिनखे संसार जो पदार्थ कोन्हे संसार जे पदार्थ में ग़रीब पर अंदर में ग़रीब कोन्हनि मूं लिखाइनि खे जे ॿाहिरीअ तरह ग़रीब पर मक़रूर ॾाढा मक़रूर ॻाल्हाइण ॿोल्हाइण में मक़रूर उहे सचा मिसकीन कोन्हनि ऐं वरी मूंखे ख़बर आहे त के आहिनि जिनखे संसार जो पदार्थ आहे पर दिलि में निमाना 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 सचा ग़रीब आहिनि स
सची गरीबी तरी छा में आहे दीनता दीन थियो दीन थियो मिसकीन थियो दिल जे अंदर मिसकीन थियो मिसकीन थियो दीन थियो दीन थियो मिसकीन थियो पहिरियों पहिरियों प्रभु जो प्यारो जंहिं हिन ज़माने में रशा जो नालो प्रकाश कयो पहिरियों पहिरियों प्यारो जंहिंजे करे रशा जो नालो पखिरजी वियो सॼे दुनिया में सो केरु हो चांस चाहे उनखे असां मूंखे को चीज महात्मा चांस चाहे महात्मा चांस चाहे केॾो न धन हो खेसि केॾो न शाहूकार हो कॾहिं हिन जे अंदरि प्रेरणा पवे थी प्रभु हिन जे दिलि अंदरि हीअ प्रेरणा विझे थो प्यारा तूं मिसकीन थी उन ॾींहुं पंहिंजो समूरो धन दौलत ग़रीबनि जे शेवा में अर्पण करे थो हुन ॾींहं खां वठी हिन प्यार जी जीवन में प्रभुअ जी जोत ब्रह्म ज्ञान चिमके थो चिमके थो चिमके निमानो निमानो ॻाल्हाए निवरत में ग़रीब कुर्बी अचनि ऐं उथी बि हे चवेनि मूंखे आसीस ॾियो कंहिं दुखी मिसकीन बाबति बि थिए दीनता ऐं निवरत में वञे उन वटि वञी उन जे चरननि में सिर छुकाए चवे प्यारा तोखे छा खपे तूं मुंहिंजो भाउ आहीं मां तुंहिंजो भाउ आहीं लोकनि खे अजब अजब लॻे थो तई लखापती हींअर हिन जी जीवन कहिड़ी थी आहे कहिड़ी हिन जे जीवन में लॻो आहे रंग ग़रीबीअ जो रंग निवरत जो रंग दीनता जो रंग ऐं असांजो पूज असांजो परम प्यारो गुरु नानक देव गुरु नानक देव जे रग रग में निवरत घिरी वई तंहिं करे सॼी दुनिया हिन प्यारे खे हिन नाले सां पुकारे थी नानक निमाणो 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 पर रूहानी राणो सदा हिन प्रभुअ जे प्यारे जी आसीस हिन दास ते थिए अवां सभिनि ते थिए छॾासीं बि दीन थियूं मिसकीन थियूं ग़रीब थियूं निमाना थियूं निमाना थियूं निमाना थियूं निमाना ओम ब्रह्म कृपा केवल कृष्ण कृपा केवलम गुरु कृपा केवलम ओम शांति शांति शांति
Shubham Bhavtu, Dada Shyam. In the observance of Sadhu T.L. Vaswani's 54th Mahayagya, the Semira Secondary School takes this opportunity to express a heartfelt gratitude to the Sadhu Vaswani mission, to our dear Didi Krishna Kumari ji, to permit us to present our Arpanam at the lotus feet of our master, Revered Sadhu Vaswani ji. We also thank Dada J.P. Vaswani for blessing us from the heavenly abode. On behalf of our headmistress, I would thank Dr. Gulshan Gidwani ma'am for her undaunted support always, and also to all the respected dignitaries of the Sadhu Vaswani mission for their constant encouragement and guidance. Thank you. Our Dada Leela today has a special character, the one who rules over all our hearts, the Lord Krishna. Lord Krishna is the narrator who will guide us through few glimpses from our revered founder's life. Pyare satsangiyo, sadar pranam. Hamare aaj ke sutradhar, Bhagwan Shri Krishna, Nanda Gopala, dharti pe apne pyare dulare bhakt ke kuch kahaniya sunane ke liye avtare hai. Hum aasha karte hai, aapko ye natika zarur pasand aayegi. We present to you, Nand ke dulare, Sadhu Vaswani ji. Nand ke dulare, Sadhu Vaswani ji. शुभम भवतु दादा श्याम परम पूज्य साधु वासवानी जी के कमल चरणों को वंदन करके प्यारे दादा जेपी वासवानी जी का आशीर्वाद लेकर प्यारी दीदी कृष्ण कुमारी जी और आप सब के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये छोटी सी नाटिका नंद के दुलारे साधु वासवानी जी नंद के दुलारे साधु वासवानी जी मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरी बंसी बजैया मुरली मनोहर रोज तुम्हारे मुख से कहानियां सुने बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती आज की कथा कौन सी होगी आज तो एक अनोखी गाथा सुनाऊंगा तुम्हें आज होगी नूरी गाथा नूरी की कहानियां होगी आज ऐसे सतपुरुष की कथाएं सुनाऊंगा उनका नाम है साधु वासवानी जी किसकी है ये कथा कौन है नूरी नूरी है इस कलयुग के तारणहार वही है इंसानियत के रखवाले दीन बंधु के दाता मूक प्राणियों के मसीहा और मैंने जिनसे मोहब्बत की है वही है मेरे दुलारे साधु वासवानी जी तो सुनाओ ना उनकी कथाएं सुनोगे आप सभी हाँ 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 सुनाओ ना We all want to hear. Come on, tell us more about it. तो सुनिए मित्रों
शुरू करता हूँ एकदम शुरुआत से। साधु वासवानी का जन्म हुआ था 25 नवंबर 1879 को और उनका नाम रखा गया थावर। बचपन से ही बालक थावर का मन करुणामय था। लोगों की पीड़ा उनसे देखी ना जाती थी। एक दिन की बात है, बालक थावर स्कूल से घर लौट आए और अपनी माँ को चिंतित पाते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ खो गई हो माँ? किस सोच में हो माँ? अरे माँ, देखो तो। माँ, थावर, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी, तेजी बाई के बारे में सोच रही थी बेटा। तेजी बाई, उन्हें क्या हुआ है? तेजी बाई के पति की नौकरी छूट गई है। उनके पास बेचारे बच्चे मियां बीवी कैसे गुजारा करते होंगे? कुछ पूंजी भी नहीं है उनके पास, उनके खान पीन का कैसे चलता होगा? कुछ चमत्कार हो जाए, छोटी सी नौकरी लग जाए दोबारा उनको, सिर्फ 20 रुपए की भी लग जाए, बस गुरु बाबा उनकी मदद कर दो, उन पे मेहर कर दो, गुरु बाबा मेहर कर दो। माँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान उन्हें 20 रुपए की नौकरी जरूर दिलाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है माँ, पक्का विश्वास है। ऐसे बालक वासवानी हर रोज उस परिवार की मदद करने के लिए प्रार्थना करते रहे और सातवें दिन ये चमत्कार हो गया। द सेवेंथ डे द मिरेकल टुक प्लेस। थावर, भगवान ने तुम्हारी सुन ली बेटा, मूलचंद जी को नौकरी लग गई है और तो पता है उनको 20 रुपए मिलने वाले हैं, महीने की तनख्वाह 20 रुपए। अभी तुम अनोखे हो बेटा, तुम जैसा कोई नहीं। अब मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए होगा, मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। नहीं माँ, मैं अद्भुत नहीं हूँ, परमात्मा अद्भुत है। तुम्हें अगर उनसे कुछ भी चाहिए तो हम दोनों प्रभु से मांग लेंगे माँ। चलो हम दोनों अभी ईश्वर का शुक्राना करते हैं माँ। चलो लगी ये कहानी। एक दिन की बात है, एकाग्रता और लगन से युवक वासवानी ने एमए की डिग्री हासिल कर ली। और अब देखिए आगे। थावर बेटा, किस बात का आशीर्वाद ले रहे हो बेटा? क्या हुआ है? ये लो माँ, मेरी एमए की डिग्री और मुझे प्रोफेसर की नौकरी लग गई है माँ। सचमुच थावर? सचमुच?
तुमने कर दिखाया बेटा, तुमने कर दिखाया। मैं आज बड़ी खुश हूँ, मैं आज बड़ी खुश हूँ। आज तो मैं गुरु बाबा को कड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगी बेटा। बैठो माँ, बैठो। पर माँ, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। क्या, क्यों बेटा? नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? क्या हुआ है? मैं माँ एक सेवक बनना चाहता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ माँ। मैं फकीर बनना चाहता हूँ माँ, फकीर। क्या? फकीर थावर? नहीं बेटा, नहीं, तुम फकीर नहीं बन सकते बेटा। नहीं, नहीं बनोगे तुम फकीर थावर। मेरी कई सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है बेटा। क्या मैंने तुम्हें फकीर बनाने के लिए इतना कष्ट लिया, इतना दुख धर झेला? नहीं बेटा, नहीं। मुझे तो तुम्हारे प्रोफेसर बनने का, तुम्हारे कमाई करने का इंतजार था बेटा। पर माँ, समाज की और भी हमारी जिम्मेदारियां होती है, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। लोगों की उन्नति और सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है माँ। नहीं थावर, तुम फकीर नहीं बनोगे। तुम्हारी पढ़ाई और घर के लिए मैंने कई सारा कर्जा लिया है बेटा। इसका भुगतान कौन करेगा? कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा बेटा? मुझे पता नहीं। तुम तो नौकरी का स्वीकार कर लो और ढेर सारा पैसा कमाओ, ठीक है? थावर, अपना हाथ यहाँ दो। मुझे वचन दो थावर, मुझे वचन दो। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये फकीरी का भूत तुम अपने सिर पर सवार नहीं होने दोगे थावर, नहीं होने दोगे। मुझे वचन दो थावर, मुझे वचन दो। माँ की कसम से, उन्होंने अपने आप को बांध रखा था। और माँ की मृत्यु के पश्चात माँ की कसम भी छूट गई और उन्हें मुक्ति भी मिल गई। ऐसे प्रोफेसर, प्रोफेसर वासवानी फकीर बन गए साधो। मानवता के प्रचार में लीन रहते थे हमेशा। जन कल्याण की मंशा लिए दीन बंधु की सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। साधु वासवानी मिशन की स्थापना की। बच्चों, कुछ और सुनना चाहोगे क्या? वो देखिए, सुहानी शाम थी, नदी के किनारे बड़े दादा साधु वासवानी जी और जशन वासवानी जी अपनी आदत अनुसार टहलने निकले थे। और तभी जशन,
आज नदी बहुत शांत है। हाँ दादा, और ये मौसम भी बड़ा सुहाना है आज। दादा, कोयल की आवाज कितनी मधुर है ना दादा? हाँ जशन, मुझे इस वातावरण में बड़ा ही सुकून मिलता है। दादा दादा जरा रुकिए, रुकिए दादा। हाँ। अब चलिए दादा, ये फूल बड़े सुंदर है ना दादा? आप थक गए होंगे, बैठ जाइए ना दादा। दादा, कुछ हो गया है क्या? जशन, पोथी में परमेश्वर, त पत्थर में कोबियो। क्या पोथी में भगवान है तो भगवान पत्थर में नहीं है? There is God in everything, जशन। प्रकृति ने सभी को बड़े ही प्यार से बनाया है। मुझे माफ कर दीजिए दादा, ऐसी गलती मुझसे कभी न होगी दादा, कभी न होगी। दादा, आज सत्संग में क्या बताएंगे? हमें रोज एक नया उपदेश मिलता है, जीवन की एक राह मिलती है सत्संग में आके। सच कह रहे हो भाई, ये हमारा सौभाग्य है। दादा आ गए, दादा आ गए। बैठ जाओ सब प्यारे सत्संगी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दादा, आत्मा को चिरंतर क्यों कहा जाता है? नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नच्कले दयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। आत्मा चिरंतर तो है, ना ही आग उसे जला सकती है, न कोई अस्त्र से उसे मारा जा सकता है। यह मानव शरीर सिर्फ एक लिबास है। हमारी मृत्यु पर हम सिर्फ एक लिबास से दूसरे लिबास में चले जाते हैं। हमारी आत्मा मरती नहीं है, मृत्यु तो देह की होती है। आत्मा चिरंतर है। आत्मा सिर्फ एक देह से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। ओम शांति शांति शांति। सत्संग का प्रवचन सुन के मिश्रा जी अपने घर लौट आए। आज बड़े दादा ने गीता का उपदेश सुनाया था। शोभा, क्या चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था क्या तुमने? हाँ जी, कल सुबह को ही रामू को बोल दिया है मैंने। आजी आजी सुनते हो, रोहित के कमरे का जरा फैन बदल दो ना, अमेरिका में रहता है वो। हाँ हाँ, अमेरिका में उसे ठंडी की आदत होगी ना, तो क्यों ना एसी ही लगवा दूँ। जैसे आप ठीक समझो जी, जैसे आप ठीक समझो। अरे मैं तो सारे घर को सजाने वाली हूँ। मेरा रोहित आज कितने सालों बाद आ रहा है ना? आज ही मेरी दिवाली है और आज ही मेरा दशहरा। सब लोग अपने प्रियजनों से मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मोह करते हैं।
हेलो, हाँ हाँ मिश्रा बात कर रहा हूँ। आप कौन? हॉस्पिटल? क्या बात है? हाँ 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 रोहित मेरा बेटा है। रोहित को क्यों पूछ रहे वो लोग? हाँ? कौन है? हलो? मुझे दो फोन। हेलो, मुझे दो फोन, क्या हुआ है? हाँ, रोहित हाँ रोहित आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या। हेलो, मुझे दो फोन। हेलो, क्या हो गया? मुझे बताओ, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ। बताता हूँ। बताओ, रोहित तो ठीक है ना? अजय, रोहित को कुछ हो गया क्या? मुझे बताओ, आप नजरें ना चुराओ मुझसे, बोलो क्या हो गया। हमारे रोहित का प्लेन, हमारे रोहित का प्लेन टेक ऑफ के वक्त क्रैश हो गया है। क्या बोल रहे हो तुम? साथ हम आपका दुख समझ सकते हैं। हम हैं आपके साथ। दादा अब आ गए। दादा देखो दादा, मैंने आइसक्रीम भी मंगवा ली है। दादा आलू पिंडी भी बनाई उसके पसंद की, पर रोहित ना आया। दादा ये उसके बचपन की तस्वीरें, ये उसकी पुस्तकें। दादा बस ये देखिए, यही रह गया है दादा, रोहित ना आया। दादा संभालिए शोभा जी, अपने आप को संभालिए। दादा हमें अब चलना चाहिए। मिश्रा जी हम सब आपके साथ हैं, प्लीज कुछ चाहिए तो जरूर बता देना, ख्याल रखना अपना। दादा आज सुबह ही आपने बताया था कि हमें किसी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, तो आप क्यों रो रहे हैं दादा? बताइए ना दादा। बोलिए ना दादा, कुछ तो बोलिए। शोभा का दुख बड़ा गहरा है और उसी दर्द की पीड़ा मुझे महसूस हुई। I felt कि मैंने अपने बेटे को खोया है। I felt I was a mother there। महान है ये युग पुरुष, हमेशा लोगों का दर्द महसूस किया, दीन दुखियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। यही है मेरे प्रिय भक्त साधु वासवानी जी। और आज 16 जनवरी 1966 साधु वासवानी एंटर्ड द अनसीन। चलो चलो साधु, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारी दयावृत्ति, तुम्हारी ममता, करुणा, तुम्हारा प्रेम, मूक प्राणियों के प्रति तुम्हारा संघर्ष देख के स्वर्ग लोक के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। चलो साधो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अपने हर एक जन्म में मैं मानवता की सेवा,
मुक प्राणियों की सेवा में मुझे समर्पित होना है, बस यही वरदान दीजिए, मुझे वरदान दीजिए। जरूर थावर, जरूर। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की इस पृथ्वी को जरूरत है। तुम्हारा साधु वासवानी मिशन, दादा जशन, जेपी वासवानी जी, इन जैसे कर्म योगी सदैव साधु वासवानी मिशन को समृद्ध करते रहेंगे और उन्हीं के सानिध्य में दीदी कृष्ण कुमारी जी साधु वासवानी मिशन को एनिमल राइट्स डे को, फॉरगिवनेस डे को, ब्रिज बिल्डर्स के साथ से इस धरती पर अनंत युगों तक बनाए रखेंगे, हमेशा हमेशा बनाए रखेंगे थावर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो कैसी लगी ये नूरी गाथा? चलो हम सब मिलके गाते हैं, हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम। धन्यवाद दादा श्याम। प्यारी संगत, तव्हां ई ॾिठो प्यारे दादा जे जीवन मां कहिड़ो न सुंदर वे ॿारनि असांखे करे ॾेखारियो। इन लाइ हिकु ख़ासि रोलिंग ट्रॉफी मिली आहे, जेको सुठो कंदा उन्हनि खे उहा ॾिनी वेंदी। हिन साल रोलिंग ट्रॉफी जेका डोनेटेड बाए मिस्टर सी जे आडवाणी आहे, उहा सेंट मीरा सेकेंडरी स्कूल खे वञे थी। वी रिक्वेस्ट मिसिस संगीता भोजवानी फ्रॉम लंडन, so please come and give away the prize. We also have a prize for this school. Cash prize also is given to the secondary school. And congratulations to all the children. There is a prize for all the children. So please, I'll request Didi Krishna. So please take from her and bless everybody. Thank you. Come. Dada will come first to take prize. Dada, then Chota Dada, come. Request the Gulshan Gidwani please to come and help win prizes. Make a good line, come. Thoda aage spread ho jao, aage. Please come this side. Do line. Come from one side. Come here, come from here. Hare Rama, Rama Rama, Rama.
Silence, please.
प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, तकलीफ और तंगी में नूरी एक तू ही मददगार, उठाए है अंजलि के जन्मों के सारे भार, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम ओ दा